सभी दरभंगा जिला वासियों को मेरे नमस्कार। आज हम लोग जो परिस्थिति सामना कर रहे हैं, बहुत चुनौतीपूर्ण परिस्थिति हम लोग सभी लोग मिलकर के सामने कर रहे हैं और स्थिति चिंताजनक है। प्रतिदिन दरभंगा जिला में केसेस बढ़ रहे हैं, मृत्यु भी लगातार वृद्धि हो रही है, मृत्यु में भी, और कुछ क्षेत्रों में जैसे शहर, कुछ प्रखंड मुख्यालयों में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। स्थिति को देखते हुए सरकार ने कई सारे रेस्ट्रिक्शंस लगाया, नाइट कर्फ्यू हो, परिवहन के रेस्ट्रिक्शंस हो, कई सारे रेस्ट्रिक्शन सरकार ने लगाया। उसके साथ साथ जिला प्रशासन भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ मिल करके सप्ताह में 3 दिन अत्यावश्यक दुकान के अलावे अन्य दुकानों को बंद रखने का निर्णय लिया है। इसका आदेश भी जारी किया गया। यह नियम शहर और प्रखंड मुख्यालय पर लागू होगा। इन सभी रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ हम सब याद रखें कि मास्क पहनना और सामाजिक दूरी को पालन करना सबसे बड़ा उपाय है। हम पहले से हम लोग देख रहे हैं, इससे बेहतर उपाय कुछ नहीं है। अभी जो स्थिति को देखते हुए मैं पुनः आप सबसे अनुरोध करूंगा कि सब लोग मिलकर के मास्क पहनना, आवश्यकता पड़ने पर ही घर से बाहर निकलें और जैसे ही काम खत्म हो जाए घर में वापस चले जाएँ। और सामाजिक दूरी का अत्यंत जरूरी है कि सामाजिक दूरी का पालन हो। इन सब चीज़ों का अगर हम पालन करेंगे जरूर कोरोना का हम हरा सकते हैं। इलाज के लिए बेहतर व्यवस्था के लिए लगातार प्रयास जारी है। DMC में और 10 बेड बढ़ाई गई हैं। आइसोलेशन वार्ड में ICU भी, नया ICU भी जल्दी चालू होने वाला है। और हमारे ऑक्सीजन सप्लाई का लगातार नियंत्रित और मॉनिटरिंग की जा रही है। दरभंगा जिला में जो प्लांट है वहाँ से प्रतिदिन हम लोग प्रतिदिन जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं और उसकी समीक्षा कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की कमी है, उस पर भी नज़र रखी जा रही है। 16 ऐसा प्राइवेट हॉस्पिटल है जिसको हम लोग अपने सोशल मीडिया में भी आपको आपके समक्ष रखेंगे। वहाँ पर दरभंगा जिला का जो पेशेंट्स हैं या बाहर से आसपास जिला के पेशेंट्स हैं वो आकर के एडमिट हो सकेंगे। इसका सूचना हम लोग आपको फेसबुक के माध्यम से भी देंगे। तो इन हॉस्पिटल्स पर भी ऑक्सीजन सप्लाई का नज़र रखेंगे। लेकिन इन हॉस्पिटल्स के अलावा मेरा अनुरोध है कि आप जिला नियंत्रण कक्ष में संपर्क करने के बाद ही अन्य हॉस्पिटल में एडमिट हो जाए, क्योंकि ऑक्सीजन का रेशनिंग और सप्लाई जो कर रहे हैं वो हम लोग नियमित रूप से मॉनिटरिंग के साथ कर रहे हैं। बाहर आप करेंगे हो सकता है वहाँ पर ऑक्सीजन का कमी, इसलिए हम लोग जो इंटरनल हॉस्पिटल हैं और DMCH है यहाँ पर ऑक्सीजन का कोई कमी नहीं है। आप बिल्कुल एडमिट हो सकते हैं अगर आपको मॉडरेट और सीवियर स्टेज पर पहुँचेंगे। और अनावश्यक रूप से पैनिक होकर के एडमिट होने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर ऑक्सीजन सैचुरेशन 94 के नीचे हो, वृद्ध व्यक्ति हो या कोमॉर्बिडिटीज हो या रेस्पिरेटरी रेट 30 के ऊपर हो, इन परिस्थितियों में एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी चिकित्सक का परामर्श ले सकते हैं। जहाँ पर होम आइसोलेशन में या घर पर इलाज हो सके वहाँ घर पर ही इलाज कराना की भी व्यवस्था है। ऑक्सीजन आप आवश्यकता अनुसार रीफिलिंग सेंटर्स जो 3 है दरभंगा जिला में, कल्पना, मेगा और AAS एजेंसी, इनसे प्राप्त कराए सकते हैं। ऑक्सीजन को लेकर के पैनिक होने का या रूमर फैलाने का, रूमर को भरोसा नहीं करना है। ऑक्सीजन का पर्याप्त सप्लाई है और ऑक्सीजन बिना प्रेस्क्रिप्शन का कोडिंग या आपूर्ति नहीं करने का निर्देश इन सभी वेंडर को दिया गया ताकि जो ज़रूरतमंद है उनको जरूर ऑक्सीजन मिल जाए। इसी प्रकार दवा का भी कोई कमी नहीं है, लगातार हम दवा दुकानों को भी छापेमारी कर रहे हैं। जो दवा जरूरी है, एजिथ्रोमाइसिन, जिंक, विटामिन, आइवरमेक्टिन, डॉक्सीसिन, सबका उपलब्धता है। सरकार के द्वारा प्रयास किया जाए कि जल्द से जल्द रेमडेसिविर को भी पर्याप्त स्टॉक हो जाए। और मैं अनुरोध करूंगा इसको लेकर के कोई पैनिक या रूमर फैलाने का आवश्यकता नहीं। जैसे ही रेमडेसिविर का स्टॉक आएगा आप सबको अवगत कर दी जाएगी सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से कहाँ पर कितने स्टॉक उपलब्ध है, आप सबको सार्वजनिक कराई जाएगी। कंटेनमेंट जोन्स में पूरे लॉकडाउन की स्थिति रहेगा। 96 कंटेनमेंट जोन्स दरभंगा जिला में गठित है। इन सब एरियाज में मैं अनुरोध करूँगा जो भी नियम है उसका पालन करें। वहाँ पर बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकलें। वहाँ पर लगातार टेस्टिंग में वृद्धि की जा रही है। जिसको भी लगे सर्दी, खांसी, बुखार हो, वरना सबसे नज़दीक PHC में टेस्टिंग करा सकें। वहाँ पर एंटीजन टेस्टिंग की फैसिलिटी, RT-PCR की फैसिलिटी है। ऑन डिमांड फैसिलिटी सभी PHCs में कराई गई है। सभी PHCs, अनुमंडल अस्पताल में भी बेड्स की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था कराई गई है। तो कहीं पैनिक होने का जरूरी नहीं है। प्रशासन के साथ
रहकर कड़ा रहकर इस मुकाबला का सामने करने का है। और इसमें मैं पुनः यही अनुरोध करूंगा, सामाजिक दूरी, मास्क पहनना, प्रशासन का हर निर्देश को पालन करना, अफवाह पर ध्यान नहीं देना, ये सब बहुत जरूरी है। जरूरी सूचनाएं और इन्फॉर्मेशन आपको समय समय पर मैं देते रहूंगा और हमारे फेसबुक ट्विटर के माध्यम से भी आपको मिलते रहेंगे। प्रेस मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी हम लोग रोज प्रेस रिलीज देते हैं, इसके माध्यम से भी आपको मिलते रहेंगे। कहीं रूमर्स को आप भरोसा नहीं करें। जो भी आपको प्रश्न होगा जिला नियंत्रण कक्ष में आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।